राहुल गांधी जी, आदरणीय राबड़ी देवी जी, जनता ने भरोसा किया उन पर, उनको बहुमत दे दिया, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने बेरोजगारी दी है। मुझे खुशी है कि तेजस्वी ने यहाँ पर नौकरियां दे दी, रोजगार दे दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। पटना के गांधी मैदान में इस वक्त इंडिया गठबंधन की महारैली चल रही है। इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, लालू यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, सीताराम येचुरी, डी राजा समेत तमाम बड़े चेहरे इंडिया गठबंधन के नजर आ रहे हैं और सभी भाजपा पर जमकर हमलावर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी काफी तीखा प्रहार करते नजर आए भाजपा पर। कहा कि यूपी और बिहार की 120 सीटों को मिलाकर जीतकर हमें भाजपा को हटाना है। फॉर्मूला बताते नजर आए कि किस तरीके से भाजपा को केंद्र सरकार से हटाया जाए। तो वहीं तेजस्वी यादव की भी प्रशंसा करते नजर आ रहे थे अखिलेश यादव। कहा कि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से नौकरियां दिलवाने का काम किया है बिहार में, कितनी सारी परिवार की जिंदगियां उन्होंने बदल दी। अगर उन्हें और काम करने का मौका मिलता बिहार में तो वो और लोगों को नौकरियां दिलवाने का काम करते। तो वहीं आपको बता दें, ईडी को लेकर, केंद्रीय जांच एजेंसियां जो है उनको लेकर भी अखिलेश यादव भाजपा पर हमलावर नजर आए और एक बार फिर ये इल्जाम लगाते नजर आए कि क्योंकि हम विपक्ष में हैं इसीलिए भाजपा के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जाता है, विपक्ष के नेताओं के पीछे उन्हें भेजा जाता है ताकि विपक्ष के नेताओं को परेशान किया जा सके। पटना के जनता को संबोधित करते हुए यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव और क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ। मैं सबसे पहले तेजस्वी जी को और उनके दल को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। साथ ही साथ इस इंडिया गठबंधन और महागठबंधन के जितने भी दल हैं, जिनके कार्यकर्ता मैं देख रहा हूं मैदान में तो है ही, पटना के चारों तरफ और पटना की सड़कों पर मुझे दिखाई दिए हैं, जिन्होंने चुनाव शुरू होते ही ऐलान कर दिया है कि अगर उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है, अगर उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है तो बिहार भी पीछे नहीं है। 40 हराओ का नारा यहां से भी निकल करके जा रहा है और अगर यूपी और बिहार मिलकर के 120 सीट हरा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। मैं अभी सुन रहा था हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ये कह रहे थे कि समुद्र मंथन हुआ था कभी, समुद्र मंथन हमारे सभी लोगों को पता है, समुद्र मंथन के दौरान क्या हुआ है। लेकिन इस ऐतिहासिक मैदान में मैं कहना चाहता हूं कि 2024 में संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान बचाना चाहते हैं, संविधान के रक्षक हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के पक्षक हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। मैं जब बिहार आया हूं आपके बीच में, जब मैंने अखबार उठा करके देखा तो एक युवती ने जान दे दी, एक बेटी जो परीक्षा में दे करके आई थी, क्योंकि परीक्षा को रद्द कर दिया गया, पेपर लीक हो गया, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली और कहा कि मां बाप से मैं माफी मांगती हूं। ये उत्तर प्रदेश में एक घटना नहीं हुई है, उससे पहले भी कई नौजवानों ने जिनको नौकरी नहीं मिली उन्होंने अपनी जान दे दी।
जिस हिस्से में चुन करके आता था वहां भी एक ब्रजेश पाल बेटे ने हमारी आपकी उम्र से कम उम्र उस नौजवान ने पढ़ी लिखी डिग्री जो थी उन डिग्रियों को छुला करके और आत्महत्या कर ली। ये हालत है देश की। और वहां पर उत्तर प्रदेश में जहां पर से प्रधानमंत्री चुन करके जाते हैं जनता ने भरोसा किया उन पर उनको बहुमत दे दिया लेकिन डबल इंजन की सरकार ने बेरोजगारी दी है। मुझे खुशी है कि तेजस्वी ने यहां पर नौकरियां दे दी रोजगार दे दिए और हम तो वहां 60 लाख बच्चे जिनको पेपर नहीं लिख पाए उनका हिसाब किताब लगाते हैं उनका अगर हम परिवार न माने केवल 3 सदस्य परिवार के माने बेटा और माँ बाप तो 60 का गुणा 3 1,80,00,000 वोट और 1,80,00,000 लोगों को अगर हमने भाग दे दिया 80 लोकसभा से तो केवल उत्तर प्रदेश में 2,25,000 हर लोकसभा में वोट कम हो गया है। लेकिन तेजस्वी ने बिहार में पलट करके दूसरा काम किया। अभी 3 लाख नौकरी दी हिसाब लगा लो कितने परिवारों का जीवन बदला और सोचो 10 लाख नौकरी मिल जाती तो कितना परिवारों का भविष्य बदल जाता। इसलिए जो लोग कहते हैं कि परिवार वाले हम लोग हैं ये जो आरोप लगाते हैं परिवार वाला आरोप हम लोगों पर मैं उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार संकल्प ले कि किसी परिवार वाले को टिकट नहीं देंगे और संकल्प ये भी ले कि किसी परिवार वाले से वोट मांगने भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जाएंगे। मैं तो ये जोश देख रहा हूं यहां मैदान में ये जो जोश दिखाई दे रहा है यही बदलाव लाएगा यही भाजपा को हटाएगा। जब जोशीले नौजवान मिल जाते हैं तो बड़े बड़े लोगों का तख्त हिल जाता है तो इस बार उन्हें आप बाहर करोगे कि नहीं करोगे। पहली सूची बीजेपी की आ गई उस सूची में बिहार बाहर है बिहार नहीं है उसमें इसलिए बिहार से वो बाहर जाने वाले हैं। यूपी वाले भी बाहर कर रहे हैं उन्हें इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हुआ और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का मैं विशेष धन्यवाद दूंगा कि जो इस रैली में पधार करके न जाने कितने लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं।